हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवास किचन। दोस्तों, आज की रेसिपी है तुरई कोरमा, रेड ग्राउट की कोरमा। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। आज आपको डिफरेंट तरीके का तुरई की सब्जी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले दोस्तों कढ़ाई बिठाएंगे। कढ़ाई में 50 ग्राम पीनट्स लेंगे, इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। दोस्तों, इसका रोस्ट करके पूरा छिलका इसका निकाल देना है। दोस्तों, अच्छे से रोस्ट करना है, छिलका निकाल देना है ऊपर का। दोस्तों, उसके बाद हम एक ग्राइंडर लेंगे जार, इसमें 50 ग्राम कोकोनट स्लाइस हम काट के डाल देंगे और वो पीनट्स को भी उसमें ऐड करके थोड़ा सा पानी, दोस्तों 1 से 2 टेबलस्पून पानी इसमें डालेंगे। डाल कर इसको अच्छे से एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद फिर एक कढ़ाई बिठा के इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। दोस्तों, जीरा 1 टीस्पून इसमें डालेंगे और 3 हरी मिर्च को हम लंबे काटी हुई इसमें डाल के अच्छे से टॉस कीजिए 1 मिनट के लिए। जब ये टॉस हो जाएगा दोस्तों, तो 2 टमाटर को हम बारीक कटा हुआ इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसको ऑयल सेपरेट होने तक टमाटर को हम भुनेंगे अच्छे से 5 मिनट तक। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के दोस्तों अच्छे से इसको और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से टॉस कीजिए। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिलाइए। देखिए ये ऑयल सेपरेट हो चुका है मसाले से। इसमें आप 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, डाल के अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों फिर 1-2 मिनट। उसके बाद देखिए 500 ग्राम तुरई हम लिए हैं रेड ग्राउट, हमको इसको छोटा छोटा पीस में काट लेना है। अब इसको हम इस मसाले में ऐड करके 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम इसको टॉस करेंगे। उसके बाद 2 कप पानी डाल के दोस्तों इसमें ढक के हम इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से, जब तक ये तुरई पकना जाए तब तक इसको अच्छे से पकाना है ढक के। 10 मिनट में ये पक जाता है दोस्तों, देखिए 10 मिनट के बाद ये पक गया है। अब जो हम नारियल और पीनट्स का पेस्ट बना के रखे थे दोस्तों, हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करके दोस्तों इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकाइए मीडियम फ्लेम में। तैयार हो जाएगा आपका दोस्तों मज़ेदार तुरई कोरमा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। और कैसा बना आपका रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों और बाजू वाला बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।